सत श्री अकाल एबीपी सांझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। मोहाली दे विच पंजाब पुलिस दे इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर ते 9 मई नूं जो हमला होया सी उसदियां तहां खुल गईयां ने। साजिश किसने रची सी ए बेपरदा हो गया। पंजाब पुलिस दे वल्लों दावा कीता गया कि इस नापाक साजिश दा पाक कनैक्शन है, यानी कि सरहद पार तो ISI दे इशारे ते बब्बर खालसा इंटरनैशनल अते गैंगस्टरां दे गठजोड़ ने साजिश नूं अंजाम दित्ता सी। मोहाली दे विच स्टेट इंटेलीजेंस हैडक्वार्टर ते हमले दियां पुलिस परतां दर परतां खोल रही है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल अते गैंगस्टरां ने मिल के अटैक कीता। मास्टरमाइंड कैनेडा च बैठा गैंगस्टर लखबीर सिंह लाडा है। लाडा पाकिस्तान च बैठे गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा दा करीबी है। यह हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दे कहन ते कीता गया है। RPG दे जरिए रॉकेट दागया गया, यह भी पाकिस्तान तो ही आया हो सकता है। DGP VK पवरा ने खुलासा कीता। मेन परसन जिहड़ा की कॉन्सपिरेटर कह सकते हैं, जिसने सारा कुछ लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज की है, वो हैगा लखबीर सिंह लांडा। लखबीर सिंह लांडा ये तरन तारण जिले का रहने वाला है। लांडा ये गैंगस्टर होंदा सी और 2017 दे विच कैनेडा शिफ्ट कर गया सी पुलिस का प्रेशर देख के। 2017 he shifted to Canada. He is a close associate of Harvinder Rinda, जिहड़ा असीं सारे जानते हैं that he is in the close proximity of Wadawa Singh and Pak ISI and he operates from Pakistan. So Rinda and Landa, this axis, so we can see that BKI and gangster, ये जरा एक्सेस है, इन्होंने मिलके किया है and of course with the backing of Pak ISI। DGP ने दसिया है कि इस मामले दे विच हुण तक 6 मुलजम गिरफ्तार किए जा चुके ने। हालांकि रॉकेट दागन वाले चढ़त सिंह सने 3 हमलावर गिरफ्त तो बाहर ने। गिरफ्तार मुलजमान दे विच निशान सिंह, कंवर बाट, बलजीत कौर, बलजिंदर रैम्बो, अनंत दीप सोनू, जगदीप कंग ने। निशान सिंह नू फरीदकोट पुलिस ने गिरफ्तार कीता सी। कैनेडा च बैठे लखबीर सिंह लाडा ने निशान सिंह तक RPG पहुंचाया सी। निशान सिंह ने अग्गे इस नू हमलावरां तक पहुंचा दिता। जेड़े मुलजमान ने इंटेलीजेंस हैडक्वार्टर उत्ते अटैक किया उन्होंने कंवर बाठ ते बलजीत कौर ने शेल्टर दिता। निशान सिंह ने RPG मुहैया करवाया। बलजिंदर रैम्बो ने AK-47 दिती। निशान सिंह जदो पनाह लैण दे लई टिकाणा लभ रहा सी तां उसने अमृतसर दे रहण वाले अपने रिश्तेदार अनंत दीप सोनू की मदद लई। इस तों बाद जगदीप कंग इन्हां दा लोकल सपोर्टर सी, इह मोहाली दा रहण वाला है। करीब 15-1 दिन ये लोग जिन्हां नूं RPG मिल गया सी, AK-47 मिल गई सी, वो इकट्ठी कीती, 2-3 घरां दे विच रहे। ये तरन तारण अमृतसर इलाके च लगा के 7 मई नूं ये उत्थों मूव करदे हैं और उस दे बाद 9 मई नूं इत्थे इंसीडेंट होंदा। नाउ द लोकल कॉन्टैक्ट इन दिस एरिया वॉज जगदीप कंग, जिहड़ा कि मोहाली च वेव हाइट एस्टेट दे विच रहिंदा। जगदीप सिंह कंग तो वेव एस्टेट्स उस दे विच रहिंदा है। सो नाउ ही प्रोवाइडेड द लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इन्हां रहण दा भी जगह ठीक कीती एंड फाइनली फॉर रैकी ऑफ द इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग चढ़त सिंह एंड जगदीप कंग बोथ ऑफ देम विजिटेड ड्यूरिंग द डे टाइम ऑफ 9th मई। जगदीप और ये दोनों इकट्ठे वहाँ गए थे
और उस एरिया का रेकी करके आए थे जो कार चली थी, कार में दिन के टाइम, वो वाली गल नहीं जो लास्ट मोमेंट से हुआ है। रेकी मतलब पहले देख के आ गए कि ऐसे कितने जाना है शामी, तो ये देख के आए सी। एंड फाइनली फॉर द इंसीडेंट चरत सिंह और जिहड़े दो बंदे बाहरों आए सी, इन तीनों का ये फाइनली दे एग्जीक्यूटेड द प्लान। पुलिस ने पूछगिछ दे लई नोएडा तो भी दो लोगों नू हिरासत दे विच लिया। इन्हां दे विच मुहम्मद नसीम आलम अते मुहम्मद सरफराज ने, ए दोवें बिहार दे रहण वाले ने। डीजीपी ने दस्सिया है कि 9 मई नू वारदात वाले दिन जगदीप कंग अते चड़त सिंह ने रेकी कीती सी। चड़त सिंह अते बाकी दो हमलावर अजे भी फरार ने। 9 मई दी देर शाम नू मोहाली स्थित स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ते रॉकेट नाल हमला होया सी। पुलिस मुताबिक मार्किंग तो लगदा है कि आरपीजी रशिया या बुल्गारिया नाल संबंधित हो सकदा है, पर यह असला हुण पाकिस्तान तो आया है। पुलिस पहला ही लॉन्चर नू बरामद कर चुकी है। इन्हां तमाम गिरफ्तारियां ते कड़ियां दे विच अजे भी हमला करन वाले मुलजम फरार ने। चड़त सिंह तो इलावा बाकी दो होर मुलजमां दे नाम अजे पुलिस दस नहीं सकी है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ। मान सरकार लगातार इस कोशिश दे विच है कि किवें ना किवें खाली खजाना भरिया जाए। वक वक फैसले भी लए जा रहे ने, ते हुण अजिहा भी हो सकता है कि विधायकां दे वाहनां दे खर्चे दे विच भी कटौती कीती जावे। हालांकि पहला पंजाब सरकार समीक्षा करेगी, दो दिनां दे अंदर रिपोर्ट मंगी गई है, जानकारी तलब कीती गई है कि आखिर विधायकां दे निजी सुरक्षा वाहनां ते किन्ना खर्चा आउंदा है। उस तों बाद समीक्षा होएगी ते हो सकता है कि कटौती भी होवे। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ MLAs ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAs ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। MLA ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ MLA ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
एमएलए दे लई 500 लीटर दा जिहड़ा डीजल दा रेट है वह तय किया गया कि एक एमएलए एक महीने दे विच 500 लीटर डीजल जिहड़ा इस्तेमाल कर सकदा। और एमएलए लगातार इस खर्चे नूं वधाउण दी गल कर रहे सी क्योंकि एमएलए ने बहुत सारे जिहड़े एरिए दे विच जाणा हुंदा, अपने हल्के दे विच जाणा हुंदा। दूजे पासे जेकर एमएलए सरकारी गड्डी नहीं लैंदा जां मंत्री सरकारी गड्डी नहीं लैंदा तां उस नूं 15 रुपए प्रति किलोमीटर दे हिसाब नाल जिहड़ी सरकार है वह खर्चा पे करदी आ। तां जेहे दे विच जिहड़ी रिपोर्ट मंगी गई है इस तों क्या सराइयां लाईयां जा सकदियां ने कि एमएलए तां जरूर लगातार जिहड़ा अपना खर्चा वधाउण दी गल कर रहे सी, पर पंजाब सरकार की इस रिपोर्ट मिलन तों बाद उस खर्चे नूं वधाउंदी आ जां इस खर्चे ते कैंची चलाउंदी आ, इह फिलहाल समा दसेगा। इत्थे रुकदे इक छोटे जिहे ब्रेक दे लई, पर ब्रेक दे उस पार तुहानूं दिखावांगे कि सरहदी किसानां ने मान सरकार ते की लाए ने इल्जाम ते मान सरकार दे मंत्रियां ने की दित्ता जवाब। एक पासे तां मान सरकार दे वल्लों पंचायती जमीनां तों कब्जे हटाउण दी कवायद शुरू कीती गई है, पर इल्जाम पंचायत मंत्री ते ही किसानां ने लाए ने। कीने इल्जाम इह वी इस रिपोर्ट दे विच दसदे आं ते नाल ही दसदे आं कि सरहदी किसान क्यों ने मान सरकार तों खफा। डिपार्टमेंट दी इनक्वायरी कराओ कि थोड़े रहिंदे आ पंचायती जमीन मता पा के करोड़ां दी जमीन ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀ, ਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। मंत्री दे इस जवाब तो शायद सरहदी इलाके दे किसान संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि कई वरियां तो मुआवजे दी चाक च बैठे किसानां नूं मान सरकार तो आस सी पर उसनूं वी बूर नहीं पिया। भारत पाकिस्तान सरहद ते कंडियाली तार अते बॉर्डर पिलर्स दरमियान 21,000 तो वध एकड़ जमीन है जिथे सरहदी पिंडां दे किसान खेती करन जांदे ने, पर बंदिशां काफी ने। 6 जिलियां दी 540 किलोमीटर सरहद पाकिस्तान नाल लगदी है। अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर के कई पिंडां दी जमीन सरहद पार है। पठानकोट, फिरोजपुर अते फाजिलका के कई किसान भी तारो पार खेती करते ने। सरहद ते 220 पिंडां दी 21,600 एकड़ जमीन तारा नाल लगती है। कंडियाली तार दरमियान लगे गेट नियमित वक्त दे लई खोले जांदे ने। किसानां नूं सुरक्षा नियमां अते बंदिशां तहत खेती करनी पैंदी है। प्रति एकड़ सरकार किसानां नूं 10,000 रुपए मुआवजा दिंदी है। 5,000 रुपए केंद्र अते 5,000 रुपए सूबा सरकार वल्लों दित्ते जांदे ने। बॉर्डर इलाके दे किसानां दा इल्जाम है कि केंद्र ने तां अपने हिस्से दा मुआवजा जारी कर दित्ता है, पर मान सरकार ने वह पैसा भी अगाह नहीं पहुंचाया। सेंटर ने डरदे ने पैसे पा दित्ते आ, अपना शेयर उन्होंने 48 करोड़ रुपया पा दिता। हुण जिहड़ी आम आदमी सरकार पार्टी आ, मान सरकार ये कहती कि असी आम लोगों जा आम लोगों की सरकार आ, आम लोगों फायदा देने। वेखो साढ़े सेंटर के पैसे आए 48 करोड़ रुपया ये नप के बैठे आ एक महीने का। मैं याद करा दा मान साहब जो एम पी सी ये कहें कि मैं व्याज भी दिना आपके एम पी कोटे का, मैं व्याज भी दिना, पर साडा तो मूल भी नहीं दे रहे। साडा गुनाह की आ कि असी बार्डर से जम पे हाँ, साडा यही गुनाह वा ना कि असी बार्डर से जमे, अपने पंजाब का शेयर नहीं दिता, सेंटर का भी 48 करोड़ रुपया दब के बैठ गए। जिहड़ा बड़ा लंबे चेत तो उन्हां दा विचारियां दा मसला, बट वह ज़्यादातर वो मसला जिहड़ा वह सेंटर गौरमेंट के नाल संबंधित, कुछ मसला साढ़े नाल भी संबंधित, पर असी वो देखते हैं। असी तो अपना करांगे, हुण जल्दी कर देंगे असी तो, पर जिहड़ा सेंटर का वो मान साहब उत्थे करनगे केंद्र सरकार ना कर, पर वो साढ़े भरा ने पंजाब के किसान ने। पंजाब का किसान जिथे मर्जी बैठा हो जी, हर एक दे नाल असी हर एक नूं उहदे विकास लई सोचना, उहदे भविख लई सोचना, उह साडी चिंता साडा फर्ज बणदा। मसला किसानी का ही नहीं पंचायती जमीन का भी है। सरकार ने नजायज कब्जे छुड़वाउण दी मुहिम चलाई हुई है, पर अमृतसर के पिंड भगतपुरा दे विच विकी एक पंचायती जमीन से इल्जामां दे घेरे च मान दे मंत्री ही ने। मुख्यमंत्री साहब अपने पंचायत मंत्री साहब की इनकुआरी कराओ, अपने पंचायत डिपार्टमेंट की इनकुआरी कराओ कि थोड़े रहिंदे आ
पंचायती जमीन मता पा के करोड़ों की जमीन लखां च किवें विकगी, गजां की जमीन एकड़ां च किवें विकगी। इहदा जवाब मुख्यमंत्री साहब नूं, पंचायत मंत्री साहब नूं यह देना पैना। भगतपुरा पिंड है अंबरसर डिस्ट्रिक्ट दे विच, उत्थे कलोनी है एक, नो डाउट 2016 तो कॉलोनाइजर ने शुरू किया भी मैं जमीन नूं किसी तरीके नाल अपने हाथ च ले लां, पर कामयाब नहीं हो सके। पर जिवें सरकार आई, नवीं सरकार आई, उन्होंने 19 दिन च बिल्डर साहब नूं कामयाब कर दिया ते पंचायती जमीन उन्होंने हवाले करती। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਆਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧਾਓ। मान सरकार वालों दम भरिया जा रहा है कि हर किसी का मसला हल करांगे, पर शिकायतां दी फेरिस्त भी दिन ब दिन लंबी हुंदी जा रही है। संयुक्त समाज मोर्चा दे वालों तां पंजाब बोलदा नाम तहत 84-271-00100 नंबर भी जारी किया गया, जिस ते लोग सरकार दी शिकायत कर सकते ने। व्हाट्सएप नंबर पंजाब बोलदा नाम ते जारी करन लगे हैं। इस नंबर ते अपने मुद्दे, अपने सवाल ते कोशिश करांगे कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस च इवें ही कोई किद्दां साडा पंजाब दा जिहदा अपना मुद्दा होवे, अपने हलके दा, अपने एरिया दा मुद्दा होवे, ओह मुद्दे लेके साडे कोल आण, उहनां नूं बिठा के अपने मुद्दे आप मीडिया दे साथियां अगे चक्कण रखण ते दस्सण कि पंजाब दी सरकार जिथे वधिया काम करेगी असीं उहनां दी शलाघा वी करांगे, पर जिथे धक्का करेगी असीं मुद्दे वी इवें ही सरकार दे सामणे रखते रहांगे। सरकार नंबर जारी करके लोगों तो शिकायतें मांगती है, पर हुण विरोधियों ने भी उसे तर्ज ते नंबर जारी कर दिता है ता जो सरकार दी शिकायतें भी सुनिया जा सकन। पंजाब तो लेके हरियाणा तक इतिहास दियां किताबां ते विवाद हो गया। इल्जाम लग रहे ने कि गलत तरीके दे नाल इतिहासिक तथ्यां नूं पेश कीता गया। केड़ियां ने किताबां जो विवादां दे विच घिरियां ने ते किन्नियां ते बैन लग गया, जानदे इस रिपोर्ट दे जरिए। किताब चाहे हरियाणा दी होवे या फिर पंजाब दी, इन्हां इतिहास दियां किताबां ने विवाद खूब पखा दिते ने। इह पंजाब दे इतिहास दियां ओह किताबां ने जिन्हां नूं बैन कीता गया। तीन किताबां च इतराज योग तत् होण करके रोक ला दिती गई है, पर शिकायतकर्ता दी मंग है कि कुल 36 किताबां सवालां च ने, इसे लई सारियां बैन होण। किताबां नाल संबंधित लोकां खिलाफ FIR होवे ते कारवाई ना करन दी सूरत सरकार नूं चेतावनी भी दिती है। मनजीत सिंह सोढ़ी वालों लिखी हुई किताब अते दूसरी MS मान वालों लिखी हुई किताब अते तीसरी आ किताब M पावल इहदे वालों लिखी हुई तिना किताबां दे उत्ते जिहड़ा इन्हां नूं बैन किया गया अते सरकार ने साडे नाल इह वादा किया सी कि असीं इन्हां लेखकां दे खिलाफ जड़ा वो पुलिस परचा दर्ज करांगे, लेकिन अज तक जड़ा वो पुलिस परचा दर्ज नहीं किया गया। भी जिन्हें भी लोगों ने प्लस टू के बच्चों इतिहास को तरोड़ मरोड़ के गुरबाणी के शब्द जड़े ने वो गलत जोड़ उन्होंने लिख के ते बच्चों जड़े पढ़ाए ने, ते ये जड़ा एडा वड्डा उन्होंने अनर्थ किया, एक जुल्म किया, कांग्रेस नीतियां नूं दसन ते होया है। कांग्रेस बीजेपी नूं घेर रही है, पर बीजेपी नूं कोई तथ्य गलत नहीं जाप रहा। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें जहां देश की आजादी हुई तो वहां जो उस टाइम सरकार थी, तो इसका मतलब ये नहीं, हमने कांग्रेस ने किया कि इस प्रकार की परिस्थितियां थी तो उस टाइम देश का वजन है, तो इतिहास तो लिखोगे तो उस प्रकार से ही लिखा जाएगा जैसे जैसी घटनाएं हुई है। उसमें कोई ये नहीं है कि आप उसको कहीं और से कहोगे, अगर आप इसके लिए किसी को अमरीका को जिम्मेदार ठहराओगे क्या? हमारी जिम्मेदारी है, जो हम यहाँ हैं
वो उस टाइम जो भी सरकार थी उसके कारण लिखा गया, उसने उस प्रकार की जो मांग थी चाहे वो मजबूरी में या किसी दौर में सरकार की गई, तो इतिहास में तो वो बात उसी तरीके से लिखी जाएगी। इतिहास को तोड़ना मरोड़ना देशद्रोह के उसमें है, इतिहास अपने आप को खुद लिखता है, इतिहास बदल नहीं सकता। इतिहास के साथ छेड़खानी करते हुए अपनी घटिया सोच का परिचय देते हुए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है और इससे ही उनकी सोच का पता चलता है कि वो देश के प्रति कितने वफादार हैं। किताबों का मसला हिमाचल च भी चर्चित है क्योंकि हुन हिमाचल च तीजी क्लास तो संस्कृत पढ़ाई जाएगी, विद्यार्थी छेवीं जमात तो वैदिक गणित पढ़नगे ते नौवीं जमात तो भगवत गीता पढ़िया करनगे। इत रुकते एक छोटे ब्रेक दे ली, पर ब्रेक के उस पार थोन दिखावांगे सरहंद फतेह दिहाड़े दिया रूहानी तस्वीर। श्री फतेहगढ़ साहब की मुकद्दस धरती से सरहंद फतेह दिहाड़ा मनाया जा रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वल्लों सरहंद फतेह की गई सी, एक चात पौने सरहंद फतेह दे शान मते इतिहास से। नांदेड़ की धरती जिथे दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सिंह सजाया ते खालसे दा आगू थाप जालमां दी सोध करन हित पंजाब वल तुरिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगवाई च खालसे ने पंजाब की धरती ते एक अजिहा सिंह नाद पैदा किया कि मुगल राज दे महल टह ढेरी होण लग पए। डराउणे अते जालम सूबेदार अते वड्डे वड्डे फौजदार खुद डर नाल कंबन लग पए। 1708 ईस्वी जदों दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का थापड़ा लैण उपरंत बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं तुरिया तां उस सामने मुख उद्देश जालम मुगलां अते मुगल राज की समाप्ति, समाजिक बराबरी, जागीरदारी सिस्टम का खात्मा, किरतियां, दलतां अते इस्त्रियां दा पूरा मान सम्मान बहाल करना अते पंजाब दी सुतंत्रता नूं बहाल करना सी। पंजाब वल तुरन वेले दसम पातशाह ने उन्हां नूं पंज तीर, खंडा, खालसाई निशान ते नगारा सौंपिया। आखिर वह घड़ी आ गई, सूबेदार वजीर खान नूं सबक सिखाउण लई चप्पड़चिड़ी दा मैदान आ मलिया। वजीर खान दीआं फौजां सिखां दे तूफान नूं रोकण लई अगे वधियां। 12 मई 1710 ईस्वी नूं चप्पड़चिड़ी दे मैदान च जोरदार खून डोलवां मुकाबला होया। इस भयानक लड़ाई च भाई फतेह सिंह ने सूबा सरहंद दे हाथी ते पूरा जोर नाल वार कीता ते नतीजे वजों वजीर खां थाएं ही मारिया गया ते बाकी मुसलमान फौजां मैदान छड के दौड़ गईयां। इस तरह सरहंद फतेह हो गई। 1710 ईस्वी दे विच चप्पड़चिड़ी दे मैदान दे अंदर सरहंद दी धरती दे सब तो जावर हुकमरान रजीत खान नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर दी अगवाई विच खालसाई फौजां ने सोधिया और उस जंग दे मैदान तो मुगल राज दीआं जड़ां पुट के इस धरती दे उत्ते अज दे दिन खालसाई राज स्थापित करने लई केसरी निशान साहब चलाए। ये इतिहास खालसा पंथ लई माण ते गौरव वाला इतिहास है। सानू इस महान इतिहास की विरासत नूं पीढ़ी दर पीढ़ी सांभ के रखण दा जतन करना चाहीदा। हर साल सरहंद फतेह दा इतिहासक दिहाड़ा बहुत श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जांदा है। जिथे चप्पड़चिड़ी दे मैदान तों फतेह मार्च सजाया जांदा है उत्थे ही फतेहगढ़ साहब विखे गुरमत समागम भी किए जाते हैं। सही अर्थां च बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज एक आदर्शक राज सी जिन्हां देश के वड्डे हिस्से नूं चिरां दी गुलामी तो आज़ादी दवाई। ऐसी महान शख्सियत ते कौम नूं हमेशा मान रहेगा। इसे नाल मैनू दिओ इजाजत, पर देश दुनिया ते पंजाब दी हर खबर देखण दे लई देखदे रहो एबीपी सांझा।